वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹48 होल 4/5 रुपीज़ पर kg, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। इसमें हमें 1 kg एप्पल्स का रेट दिया हुआ है और हमें इतने kg एप्पल का कॉस्ट बताना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवेन है वो हम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स हमें कितना गिवेन है, ₹48 होल 4/5। तो इसको हम, और हमें निकालना किसका है, कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स का रेट निकालना है। तो जब हमें 1 का कॉस्ट दे रखा हो या 1 का रेट हमें पता हो और हमें इतने का निकालना हो या बहुत सारों का निकालना हो, 1 का गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 होल 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3/4। ओके, तो पहले तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज जो हम करेंगे तो 48 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 4 करके हमारा 244 आ जाएगा, और 3 4 12 प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे, 5 1 5 5 3 15, 4 1 4 4 6 24, तो हमारे पास कितना आया, 61 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3 1 3 3 6 18। इट मीन्स ₹183 के हमारे इतने एप्पल्स हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ले दे देंगे, कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स आर, कॉस्ट ऑफ 3 इज ₹183। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लोथ इज बीइंग सोल्ड एट ₹42 होल 1/4 per meter, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 meter ऑफ दिस क्लोथ। 1 meter क्लोथ का कॉस्ट हमें दिया हुआ है और इतने मीटर क्लोथ का कॉस्ट हमें निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 meter ऑफ क्लोथ, हमें कितना गिवन है, ₹42 1/2, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 5 होल 3/5 meter ऑफ क्लोथ का कॉस्ट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से ये भी करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 3/5। ओके, पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 42 जा कितना हो जाएगा, 84 और 85, तो यहाँ पर हो जाएगा 85/2 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 25 प्लस 3 28। ओके, हमारा ये आ जाएगा। अब इसे हम कट कर देंगे, 214 जा और 5 17 जा, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 17 मल्टीप्लाई 14, ये आ गया हमारे पास। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आएगा ₹238। तो हमारा इतने मीटर कपड़ा कितने का था, अब यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 5 होल बाई 3/5 meter ऑफ क्लोथ इज ₹238। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 2/3 km/h, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 hours। एक कार 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करती है तो 9 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 hour। ओके, 1 hour में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 66 2/3 km। तो डिस्टेंस कवर बाय कार इन कितने आवर्स का हमें निकालना है, 9 hours का निकालना है।
तो नाइन, जब 9 आवर्स का निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 66 टू अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इसका पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे 66 थ्री जा थ्री और प्लस 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 200 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ पे 3 वन जा 3 और 3 3 जा 9 कट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 200 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 600 किलोमीटर। तो हमारी स्टेटमेंट आएगी डिस्टेंस कवर बाय बाय कार इन 9 आवर इज 600 किलोमीटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉर ए पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट ₹35 वन अपॉन टू, इफ 308 टिकट्स आर सोल्ड फॉर द शो हाउ मच अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। एक सर्कस में एक टिकट का जो कॉस्ट है वो है ₹35 होल वन अपॉन टू। अगर जो हम 308 टिकट्स खरीदते हैं तो हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, हमें ये निकालना है। तो ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 स्किप हो गया है। तो पहले मैं 7 आपको बता देती हूँ। वन टिन होल्ड्स 12 3/4 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टिन होल्ड। कि एक टिन में इतना तेल आता है तो 26 टिन में कितना तेल आएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वन टिन, कि एक टिन में हमारा कितना आता है। तो क्या हमें गिवन है 12 होल 3/4 लीटर और हमें कितने का निकालना है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 26 टिन का हमें निकालना है। तो 1 का गिवन है 26 का निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 12 होल 3/4 मल्टीप्लाई बाय 26 टिन। तो इसको जो हम करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज तो ये हमारा हो जाएगा 48 51 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 26। अब इसे हम कट कर देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 तो हमारे पास बचा 51 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2। अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 663 अपॉन 2। ओके, अब इसको हम मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 221 1/2 लीटर। ओके, तो स्टेटमेंट आएगी हमारी क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 26 टिन इज 221 1/2 लीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ पर्टिकुलर शो, एक शो, एक सर्कस का शो है, उसमें एक टिकट का कॉस्ट हमारा इतना है और 300 टिकट का कॉस्ट हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ वन टिकट ऑफ ए सर्कस, सर्कस के एक टिकट की कॉस्ट हमें क्या दिया हुआ है ₹35 1/2। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना है, कॉस्ट ऑफ 300 टिकट्स, कॉस्ट ऑफ वन टिकट का दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 308 टिकट ऑफ ए सर्कस का निकालना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 308 मल्टीप्लाई बाय 35 1/2 रुपीस। ओके, तो पहले तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं 308 मल्टीप्लाई
35 टू जो 71 अपॉन 2 हो जाएगा ये, तो 71 अपॉन 2 हो गया। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, 2 1 जो 2, तो हमारे पास क्या बचा ये 154 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 10,934। तो हमारा कॉस्ट ऑफ 308 टिकट ऑफ सर्कस इज रुपीस 10,934 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3/2/3 सेंटीमीटर, हाउ हाई इज द स्टैक। हमें बोला गया है कि 9 बोर्ड्स को हमने एक के ऊपर एक करके रखा हुआ है, उसमें एक बोर्ड की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो हमें इतने सेंटीमीटर गिवन है। हमें वो 9 जो बोर्ड्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे, उन सब की मोटाई हमें बतानी है। ओके, हाइट बतानी है उसे, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे थिकनेस ऑफ वन बोर्ड, कि एक बोर्ड की हमें जो मोटाई दी गई है वो है 3/2/3 सेंटीमीटर। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, थिकनेस ऑफ वन बोर्ड इज इक्वल्स टू 3/2/3 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड की हमें निकालनी है, तो 9 मल्टीप्लाई 3/2/3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 3 9 10 11 अपॉन 9 सेंटीमीटर, और ये कट हो जाएगा, तो 3 11 जो 33 सेंटीमीटर। तो 9 बोर्ड की थिकनेस कितनी आ गई हमारी, 9 बोर्ड की थिकनेस हमारी 33 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे, थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड इज 33 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।